हाय गाइस वेलकम। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसको 30 से 35 साल बाद अप्रूवल मिला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात भी नहीं लग रही। हो सकता है आपको लगे कि ये तो इंडिया में होता रहता है, लेकिन अभी प्रेजेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ये प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, नाम है कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें था क्या कि जो पानी की सप्लाई है ना, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, उसको इम्प्रूव करना था बिलगावी, बागलकोट, इन तरह के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स तक। अभी कर्नाटका के जस्ट असेंबली इलेक्शंस के कुछ महीने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव कर दिया है। इसमें बेसिकली नदी यानी कि रिवर के पानी को ही इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब भी सूखा पड़ता है तो ये डिस्ट्रिक्ट्स काफी हद तक इफेक्ट होते हैं। इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल अप्रूवल जो मिला था वो मिला था 2002 में, लेकिन एक प्रोजेक्ट में बिल्कुल सही से काम हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंडिया के अंदर। प्रोटेस्ट हुआ प्रोजेक्ट के खिलाफ, और एक्चुअली उसी समय के जो बीजेपी के लीडर थे जो गोवा में यानी कि मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने भी इसमें ऑब्जेक्शंस उठाए थे और उन्होंने कहा था कि गोवा के फ्लोरा और फौना इससे बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। इस प्रोजेक्ट पे बेसिकली उन्होंने इस चीज को डाला था, जिसकी वजह से उस समय कुछ समय तक रही पावर में एनडीए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट का अप्रूवल और इसकी फंडिंग सभी चीजें लगभग होल्ड पे डाल दी थी। और इसके बाद 2006 में कर्नाटका में एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि चलो फिर से कंस्ट्रक्शन के काम को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, गोवा की गवर्नमेंट उस वक्त कोर्ट में चली गई और स्टे ले आई काम को रोकने के लिए। मतलब वही जो चूहे बिल्ली वाला खेल रहता है वही होता रहा कि एक उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, दूसरा उसे होने ही नहीं देना चाहता क्योंकि खुद के स्टेट के लिए उसमें लफड़े हैं, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। लेकिन अभी अब ये चीज सही हुई है कि कर्नाटका ने डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की थी और सेंट्रल वाटर कमीशन ने उसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 29 दिसंबर पिछले साल ही अभी कुछ दिनों पहले ही अप्रूव कर दिया है, और एक तरह से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है कर्नाटका को कि वो लोग अब इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ठीक है, देखते हैं कि क्या प्रॉपरली काम इसमें कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डिलेज ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। अब 30 साल से ज्यादा क्या ही डिले होगा। तो मुझे बस अभी यही अपडेट देना था वीडियो में, देखते हैं प्रोजेक्ट में अच्छे से काम हो जाए तो अच्छी बात है। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।